केन्दुझर जिला जामु नालिया ठारे थिबा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज रो चतुर्थ वर्ष छात्रछात्री माने कॉलेज रे विभिन्न समस्या नै गत 3 दिन हेबो आंदोलन रे बसी छथि। तेबे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज होतिला बेले स्थायी अध्यापक नथिबा जको पाठ पढा असुविधा होतिबा कहिसेंति छात्रछात्री। एमिति कि लाइब्रेरी रे ना अछि बही ना कॉलेज परिसर रे खेल पडिया, एमिति कि पी बा पानी रो व्यवस्था मध्ये नै। प्लेसमेंट रो सुविधा नथिबारु छात्र छात्री मानंग मनरे असंतोष देखा दैछि। एमिति कि कोरोना महामारी समरे कॉलेज ना हॉस्टल डे सैनिटाइज होछि। ए समस्या ए वर्ष रो नुहे, प्रति वर्ष ए सब समस्या कुने आंदोलन करि आसुछंती इंजीनियरिंग छात्र छात्री। आगु समाधान न हेले राजरास्ता को ओल्हाइबा सह आंदोलन को जोरदार करिवे बोली चेतावनी दैछंती छात्र छात्री। एक्चुअली आम कॉलेज रे बेसिक फैसिलिटीज जोटा इंजीनियरिंग स्टूडेंट को मिलिया कथा सेमितिया किसी फैसिलिटीज मिलूनी। छुआ मैंने फर्स्ट इयर नहीं कि फोर्थ इयर जाए समस्त बहुत हैरान होती। आम जब प्रथम फर्स्ट इयर आसलु सेतु आज जाए 4 वर्ष पाँच छः थर स्ट्राइक है से मानक सब वर्ष खाली फेक एश्योरेंस मिलूँ कि हफ्ते भितर 10 दिन भितर कम हम कम होमको फेक एश्योरेंस दि जाए कि हफ्ते भितर तुम यही कम हम से ही कम हम कॉलेज रे बेसिक नीड जमी फर्स्ट एड किट ग्राउंड फैकल्टी प्लेसमेंट्स किसी भी सुविधा ना इवन हॉस्टल भी सैनिटाइजेशन पर विक हबार कहीं आम हॉस्टल कोविड केयर होता बाकी जितेबाला पिला हॉस्टल खोलला हॉस्टल को आसिले से पिला रूम में सिरिंज कॉटन एगुड़ा सब पाया मिलता आबुठ नहीं कि आज जाए बोधे कॉलेज केवल गोटे थर पर सैनिटाइजेशन हो जाए हॉस्टल आउ कॉलेज कौ भी जगह सैनिटाइजर्स किसी अवेलेबल ना खाली प्रिंसिपल चेयरमैन बाहर सैनिटाइजर गोटे लगी हाँ जिन मेडिकल जिन डंपिंग भी होता हाँ हाँ हॉस्टल साइड में डंपिंग है पिलाने से भी स्ट्राइक होता बहुत दिन पर डंपिंग है जाला गला सब वर्ष प्रिंसिपल आम स्टूडेंट मानक एमती एश्योरेन्स देखते कॉलेज मैं कॉलेज कि भी ना मैंने बेसिक फैसिलिटीज जहाँ स्टूडेंट को दरकार इटली फैकल्टी मैंने नॉर्मल कोर ब्रांच गुड़ा एचओडी को छाड़े आ सब इरेगुलर फैकल्टी दाबी पूरण न होले आम स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट यूनियन सब ब्रांच मिसी आम कॉलेज को टोटल बंद करूँ ताला पकेबू कॉलेज कौ भी प्रकार क्लास हो पार ना सेमती भी आम टीचर ना आम केन्दर राजरास्तार ओल्लू एवं सरकारी अध्यापक सरकारी हायर अथॉरिटीज मानक आम लेटर पठेबू आम धारणा देखिए बेसिक नेसेसिटीज आमर जेहेतु परमानेंट फैकल्टीज ना सिविल सीएससी एमती बहुत ब्रांचेस अच्छे जार परमानेंट फैकल्टीज 2 रु 3 जन आईपाइम एसीटी अप्रूवल भी प्रॉब्लम हो प्रिंसिपल को कहला बेलू सी बीओजी कहते बहुत सारा मानते एमती कौन आम तो यही स्ट्राइकटा 4 वर्ष मुझे भितर 4 वर्ष आगर भी हो तो आम प्लेसमेंट्स भी आसुनी आम ये बीटेक करें ग्राजुएसन करूँ आम प्लेसमेंट्स निहाती दरकार आम कोर कंपनीज प्लेसमेंट्स आसुनी इवन इफ आम क्लीनिंग हॉस्टल प्रीमिसेस क्लीन होनी कॉलेज प्रीमिसेस क्लीन होनी सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम अच्छी कोविड बॉयज हॉस्टल मैंने जो मैंने कोविड पेशेंट्स रोते कि सब जिनस एम छाड़ पलते तो कोविड जदि हम तो किए रेस्पोनसबिलिटी नब से आम बारंबार उठाऊ हाँ आम प्रिंसिपल को कही छु सुपरिटेंडेंट को कही बारंबार उठेले पर भी यहाँ नेग्लीजिबल हिसाब से निया प्रिंसिपल को एवं कहला सी कहते प्रोसीडिंग एवं स्टार्ट करेंगे तो आगर कौन करते आम तो फोर्थ इयर हेलुँ आम तो 2-4 मास पर आम भी तो पलब आम तो किसी लाभ नहीं आम ये बीटेक कर पढ़ी पलू कि मैंने रेस्पोनसबिलिटीज ना कि पिला कौन कले कौन ना तो आम से डिमांड अच्छे जे आम जहाँ भी हो कि यापर आम जूनियर्स मैंने से प्रॉब्लम फेस न करूँ ना 4 वर्ष मानते प्रत्येक मानते 4 वर्ष मान 2 वर्ष तले भी पे स्ट्राइक करते 3 वर्ष तले भी पे स्ट्राइक करते से मैंने समग्र इश्यूज मैं किसी इश्यूज निश्चित रिजल्व होती कि मेजर जोटा रोचे मानने रेगुलर फैकल्टी रिक्रुटमेंट ये सब डिमांड ही सो आम कलेजटा प्रथम बीपीयूटी यूनिवर्सिटी अंडर थी तो रिक्रुटमेंटा बीपीयूटी करूला बीपीयूटी थोड़ा एडवर्टाइजमेंट भी करता सिविल और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट सिविल रे किछ फैकल्टी रिक्रुटमेंट होती कंप्यूटर साइंस रे केवल जड़े ही रेगुलर फैकल्टी अच्छा सेमती आहरी भी किसी डिपार्टमेंट लाइक मिनराल भी जड़े फैकल्टी अच्छा मेटलोजी जड़े फैकल्टी अच्छा माइनिंग दु जन रेगुलर फैकल्टी अच्छा तो रिसेंटली गवर्नमेंट गोटे नोटिफिकेशन अनुसार आमको रेस्पोनसबिलिटी दिखाई बोर्ड अफ गवर्नर्स को रेस्पोनसबिलिटी दिखाई रिक्रुटमेंट तो ताऊपर बेस करी आम मैंने एक्चुअली एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पर एडवर्टाइजमेंट करूँ असिस्टेंट प्रोफेसर पर किसीटा टेक्निकल इश्यूज अच्छी जेहेतु जो मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टीज मैंने अच्छा से गोटे कोर्ट हाईकोर्ट केस करते
बा केस करछंती सो प्रॉपर लीगल एडवाइस नहीं कि हम एडवर्टाइजमेंट करिसन तो चिंता करथिलु वर्तमान एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर भी जो एडवर्टाइजमेंट होता से एज पर दि कन्वेंशन बै अदर यूनिवर्सिटीज अदर इंस्टीट्यूशन आम मैंने कौन से रिजर्वेशन अप्लाई कर नथिलु सबुगुड़ा पोस्ट जो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बाहर था सबुगुड़ा अनरिजर्व पोस्ट था किंतु गवर्नमेंट तापर गोटे लेटर आमको पठेला जे आपण मैंने रिजर्वेशन करके आम एप्रुवाल नियंतु सो आम वर्तमान गवर्नमेंट को चिठी देचु आमर जी वैकेंसी पोस्ट अच्छी ताकू ओआरवी एक्ट अनुसार प्लेस करके आम गोटे गवर्नमेंट को चिठी देचु एवं गवर्नमेंट रू आम एक्सपेक्ट करूँ दिन दिन भितर आम तार एप्रुवाल पाइबू एवं एप्रुवाल पाइला आम नेक्स्ट विक्रे निश्चित भाव आम पुणी सबू पोस्ट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और आसीस्टांट प्रोफेसर पोस्ट आम एडवर्टाइजमेंट करूँ।